डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बांसु की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे चैप्टर 12 डेयरी केमिस्ट्री के अंदर जनरल आइडेंटिफिकेशन चल रहा था मिल्क दूध का, जिसमें मैंने बात कर ली थी दूध जो होता है हमारे जो भोजन का एक अभिन्न अंग होता है, जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन एवं जल उपस्थित होते हैं। इसी कारण दूध को क्या कहा जाता है, एक संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। दूध को क्या कहा जाता है, एक संपूर्ण आहार की संज्ञा दे दी जाती है। इसके अंतर्गत जो दूध है उसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। अब दूध को परिभाषित करने के लिए यहाँ पे दूध की जो परिभाषा है वो तीन प्रकार से दी गई है। जैविक दृष्टिकोण से दूध को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से दूध को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, और रासायनिक दृष्टिकोण से दूध को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो यानी कि मैंने यहाँ से जैविक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से दूध को परिभाषित करने के लिए एक्सप्लेन कर चुका था। नेक्स्ट थर्ड टाइप में चल रहा था रासायनिक दृष्टिकोण से दूध की परिभाषा। इसमें ये बताया कि रासायनिक दृष्टिकोण से दूध जो होता है एक विषमांग उत्पाद होता है। रासायनिक दृष्टिकोण से दूध कैसा उत्पाद होता है, विषमांग उत्पाद होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, जल एवं अन्य जो अवयव हैं वो इमल्शन, वास्तविक विलयन, कोलाइडी निलंबन के रूप में जल की सतत प्रावस्था के रूप में उपलब्ध होते रहते हैं। इस प्रकार से दूध को अपन रासायनिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से रासायनिक दृष्टिकोण से जो दूध की परिभाषा दी गई वो इस प्रकार से दी गई कि जो रासायनिक दृष्टिकोण से दूध है वो एक विषमांग उत्पाद होता है। रासायनिक दृष्टिकोण से दूध जो है वो कैसा उत्पाद होता है, विषमांग उत्पाद होता है, जिसमें प्रोटीन है, शर्करा है, खनिज, जल एवं अन्य अवयव किसके रूप में, इमल्शन के रूप में, कोलाइडी निलंबन के रूप में, वास्तविक विलयन के रूप में, जल की सतत प्रावस्था के रूप में उपलब्ध होते रहते हैं। यानी कि दूध की परिभाषा देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें दो बातें हैं जिनका अपन को ध्यान रखना चाहिए। दूध कैसा हो, खीस रहित आना चाहिए। दूध जो होता है वो खीस रहित होना चाहिए। अपमिश्रित जो दूध है, मिलावटी जो दूध है, इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से अपन दूध को जैविक, व्यापारिक एवं रासायनिक दृष्टिकोण से परिभाषित कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी है।